12 और 13 जनवरी को आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गठित उप समितियों के अधिकारियों एवं सदस्यों को निर्देश दिए कि विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन हेतु बनाई गई समितियां अपने अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। मंडलायुक्त ने कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रदर्शनी के लिए स्थान आवंटन हेतु समिति अपनी आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराए। उन्होंने कहा कि स्टालों के मध्य प्रोत्साहित करने के लिए आपस में प्रतियोगिताएं भी कराई जाएं तथा विजयी प्रतियोगी को पुरस्कृत भी किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाए, किसानों को केसीसी की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाया जाए तथा आत्मनिर्भर भारत योजना में किसानों की आय में वृद्धि के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एसडीएम सदर गौरव सिंह सौगरवाल, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पहले को प्लेस के फाइनल करने का देख लिया था, अभी सुबह हो जा रहा है। हमारे जितने कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रम वहां पर समाहित हो सकते हैं। अभी सुबह हम और जाई साहब भी गए थे, आरटीओ साहब भी थे और हमारे आर्किटेक्ट भी थे, तो उस पार्क में सब कुछ हो जाएगा। बाउंड्री है, होटल की बाउंड्री और चंपा देवी पार्क के बीच में भी एक स्पेस है जहाँ लगभग हमारी 100 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। वह भी आगे भी जगह है, इसके अतिरिक्त अंदर भी हमारे पास इस नाला कम्प्लीट तो नहीं होगा सर। उसमें सर एक पीडब्ल्यूडी और एक सर जीडीए, लेकिन नाला आप नहीं कम्प्लीट करेंगे वहाँ हिमपाई पड़े रहेंगे और वो ज्यादा नहीं है, 20-30 मीटर का है, वो अच्छा लगेगा। नाला कम्प्लीट होने का दूसरा फायदा ये होगा, एक वो आपको ऊपर में स्पेस मिल जाएगा। तो सर पहला प्रस्ताव हमारा यही है सर कि जगह हम लोग अंतिम कर लें। ये कहना है नोडल्स और आरटीओ साहब से और जिलाधिकारी महोदय से भी आप बात कर लें, इसको आज फ्रीज कर दीजिए। हम लोगों ने सर सर की सहमति ले ली सर, निश्चितता ठीक नहीं है और इसका फर्क नहीं तो आपके टेंडर पर पड़ जाएगा, उसमें हम लोग के पास बहुत कम। आज जो भी चीजें होंगी सर उसको हम प्लान प्लान कर दिया है सर, उसी के हिसाब से होगा। हाँ, और आज के वो कागज में डलवा दीजिए प्लीज, एक पन्ने का कागज बनाइए सर, इसमें नंबर वन स्थान को फाइनलाइज कर दीजिए। आरटीओ साहब आप ही लिख लीजिए और अर्जुन भी लिखते हैं, इसको फाइनल कर लीजिए कि चंपा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम और मैंने दिग्विजयनाथ पार्क में झांकियाँ होंगी और उसमें दोनों में मिला के देख लेंगे कहाँ क्या होगा। आपका कहने का मतलब है सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां सब वही सारे सब कुछ के लिए स्पेस हो जाएगा फूड स्टॉल वो सारा वहां करें मेहंदी विजयनाथ पार्क, तो हमारा सांस्कृतिक के लिए जगह नहीं मिल पाएगी सर वहां पे। वो मेहंदी विजयनाथ पार्क का जो सेफ है सर, बात समझने का प्रयास सर। सो आपको कल्चरल प्रोग्राम ले जाना चाहिए दिग्विजयनाथ पार्क, मतलब मैं सोच रहा हूँ दिग्विजयनाथ पार्क में फूड जोन और कल्चरल प्रोग्राम ले जाए या देख लें जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि उस पॉइंट से आपका नया सवेरा करीब पड़ जाता है 1.5 किलोमीटर पड़ता है सर।